हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो गाइज़, अब आप हैंड और फिट को वाइटनिंग के लिए बहुत सारी क्रीम्स और बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते होंगे, मैनीक्योर, पेडिक्योर, स्किन पॉलिशेस वगैरह, लेकिन आपको फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक घर में एक मैनीक्योर और पेडिक्योर लेकर आई हूँ, जो आप घर में बैठ के आसानी से कर लेंगे और किचन की चीज़ों से कर लेंगे, और आपको बिल्कुल पार्लर जैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा जो आप किसी महंगे पार्लर में जाके जो ट्रीटमेंट लेंगे, जो आप मैनी पैडी लेते हैं, उस जो उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है वही रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा, वो भी घर में और किचन की ही चीज़ों से मिलेगा। तो आप ये वेडिंग सीज़न के हवाले से कह लें या गर्मियों के हवाले से कह लें, जो मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ, आप इसको देखें। गर्मियों में टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम अपने फेस को तो कवर कर लेते हैं लेकिन अपने हाथों और पैरों को कवर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा डल और टैनिंग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा रिज़ल्ट है, ये करने से पहले का रिज़ल्ट है जो हम अपनी रेमेडी स्टार्ट करेंगे, और पहले बाद का रिज़ल्ट भी आप देखिएगा, आप खुद डिफरेंस देखेंगे। आपके सिर्फ इस काम करने में सिर्फ आपको 20 से 25 मिनट आपके लगेंगे और आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने सबसे पहले कोई बाउल ले लेना है, या आप हैंड के और फुट दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हैंड में अप्लाई करके बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो आपने कोई बाउल ले लेना है और उसमें आपने एक चम्मच भर के सॉल्ट नमक ले लेना है, जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं, एक से दो चम्मच। अगर आप पैरों के लिए कर रहे हैं तो आपने ज़्यादा नमक ऐड कर लेना है, एक से दो चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर लेना है। और एनी शैम्पू जो आप घर में यूज़ करते हैं, जो भी हो आपने वो ले लेना है। शैम्पू नहीं है तो आप एक चम्मच कंडीशनर का इसमें ऐड कर लें, जो आपके पास अवेलेबल। उसके बाद आपने इसमें वार्म वाटर डाल लेना, गर्म पानी इतना कि जिसका टेम्परेचर आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके, तो आपने इतना रखना है। और उसके बाद आपने इसमें अपने हाथ और पैरों को अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, और अपने हाथों को इसमें डिप करना है। डिप आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट इसमें डिप करना है। आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप से ही आपको काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है कि आपके हाथ पांव लश्कारे मारेंगे, शाइन करेंगे, बिल्कुल ब्राइट और सॉफ्ट आपके हैंड हो जाएंगे। आपने इस तरीके से इसको बनाना और करना बहुत ही आसान है। पार्लर में धक्के खाने, पैसे इन्वेस्ट करना, पैसे ज़ाया करना, टाइम वेस्ट करना, तो आप घर में ये करें, आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपने 5 से 10 मिनट इस गर्म पानी में अपने हाथों को डिप करके रखना है, और उसके बाद जब आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप से आपके हाथों में एक सॉफ्टनेस आ जाएगी और आपके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आपने इसी तरीके से कोई आपके पास अलबत्ता तो टूल होते हैं इनके, अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके पास जो भी घर में ऐसा कोई टूथब्रश हो जो आप यूज़ ना करते हो, आपने वो ले लेना, और अपने नेल्स पर अच्छे तरीके से, आपने अपने उंगलियों पर, फिंगर्स पर अच्छे तरीके से इस ब्रश को रब करना, ताकि जितना भी हमारी स्किन में जो मैल वगैरह अंदर चला जाता है, ताकि वो आसानी से निकल जाए और हमारी नेल भी बिल्कुल क्लीन हो जाए। यही सब कुछ आपने अपने फुट पे करना है, अपने फुट के रे नेल्स पर असल गंदगी चली जाती है, मिट्टी धूल जमा हो जाती है, तो अच्छे तरीके से आपने नेल्स पे ब्रश मारना और अपने फुट पर अच्छे से ब्रश मार लेना है। अगर आप चाहें तो वो जो मंजना होता है जिसको कहते हैं, अगर आप वो अप्लाई मारना चाहें अपने हाथ और पैरों पर वो मार सकते हैं, लेकिन ब्रश से भी आपके हाथ बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो जाएंगे। आपने 1 से 2 मिनट इस तरीके से ब्रश से अपने हाथों को अच्छे से रब कर लेना है, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह जो हमारी स्किन में होगी, ताकि वो आसानी से निकल जाए। तो हम अपने हमारे देखिए फर्स्ट स्टेप होते ही हमारी स्किन में काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। तो हम अपना दूसरा जो हमारा स्टेप है, हम उसको अपने को रेडी करते हैं। उसको रेडी करना बहुत आसान है। आपने बेकिंग सोडा लेना है, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है, आपने वो एक चम्मच ले लेना है किसी बाउल में, और ये हर किसी के घर में होता है, आसानी से मिल जाता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। इसी तरीके से आपने इनो लेनी है, एक चम्मच इनो का ले लेना है आपने, ये भी बहुत सस्ता है, अमूमन घरों में पाया जाता है, लेकिन 20 रुपये के पैकेट, और आपसे आपका दो दफ़ा में जो दो दफ़ा का जो पेडिक्योर होता है ना, वो आपको इसमें आराम से हो जाता है। अगर आप हैंड और फुट दोनों पर अप्लाई कर रहे हो तो पूरा पैकेट ऐड करना है, अगर आप खाली हाथों पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने एक चम्मच भर के इसमें इनो का ले लेना है, और फिर एनी शैम्पू जो आप शैम्पू घर में यूज़ करते हैं, आपने कोई भी एक चम्मच शैम्पू का ले लेना है, और आपने एक इसमें लेमन का ऐड कर लेना है। लेमन ऐड करेंगे तो ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करके आपने इसको छोड़ देना है 2 मिनट के लिए, ताकि एक्टिवेट हो जाए अच्छे तरीके से। इसको मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है।
ये हर कोई हर किसी की बॉडी पे ये सूट करता है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसी तरीके से इसको अप्लाई करना, लगाना उससे भी ज़्यादा आसान है, और इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आपको मिलता है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, देखिए हम अपने फेस पर सन ब्लॉक अप्लाई करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन हम अपने हैंड और फुट पर अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा टैनिंग के शिकार हो जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बिल्कुल जल जाती है। जो बाहर जाते हैं, जो कॉलेज गोइंग और यूनिवर्सिटी गोइंग्स गर्ल्स, ऑफिस गोइंग्स हैं, जो भी हैं, उन जिनके हाथ पांव बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, तो वो इसको हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, आपका हाथ पांव बिल्कुल साफ सुथरे, क्लीन और क्लियर हो जाया करेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और आप रिज़ल्ट इसका खुद देखकर खुद एक दफ़ा हैरान रह जाएंगे। तो मेरे कहने पर इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला है। आपने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है अपने हाथों पर पैरों पे, जहाँ भी आपने इसको अप्लाई करनी है अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है, और इसको आपने छोड़ना है तब तक कि ड्राई ना हो जाए। आपने इसको 5 से 10 मिनट इसको छोड़ना है, 5 से 7 मिनट में आपकी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी क्रीम। आपने इसको अच्छे तरीके से भर भर कर अप्लाई कर लेना है। जब आप इसको रिमूव करेंगे, आप इसको उतारेंगे, तो आप ख़ुद इसका रिज़ल्ट एक दफ़ा देख कर हैरान हो जाएंगे कि कितना ज़बरदस्त ये फार्मूला है, घर की चीज़ों से रेडी हो गया है, बहुत सस्ता रेडी हो गया है, और इसका रिज़ल्ट उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त आप मिलेंगे। तो आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा, फिर आपका इसको बार बार करने को दिल चाहेगा। फिर आपने देखे मेरे ये हैंड बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, उसके बाद जो हमने इसमें लेमन डाला था उसको आपने अलग अलग करके इसको अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट अच्छे से मसाज करना है, ताकि हमारी जितनी भी डेड स्किन थी, जो डेड लेयर हमारी स्किन पर जमा हो गई थी, जितनी भी टैनिंग थी, ताकि वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। सिर्फ आपने इसको 2 मिनट मसाज करना है। मसाज जब आप करेंगे तो आपके नकल्स पर आपके जो ब्लैक हो जाते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं, या हम हाउसवाइफ होती हैं, घर के काम करने से, छुरी वगैरह यूज़ करने, सब्ज़ी वगैरह बनाने से, जितने भी आपके निशान आ जाते हैं फिंगर्स पर, नेल्स पर, तमाम आपके रिमूव हो जाएंगे सिर्फ इस स्टेप को करने की वजह से। आपने सिर्फ 2 मिनट इसको मसाज करना है। मसाज करके जब आप इसको रिमूव करेंगे ना, तो आप मुझे दुआएं ज़रूर देंगे, आपको जो इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा ना, तो आप ज़रूर, आपका खुद का दिल चाहेगा कि आप इसी रेमेडी को आप बार बार यूज़ करें। तो हफ्ते में इसको 2 दफ़ा आप यूज़ कर सकते हैं, बगैर किसी डर के, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये देखें, ब्लीच क्रीम जब हम अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर, वो एकदम से हमारे हैंड को, फिट को वाइट तो कर देती है, लेकिन फिर साथ में जब सन डैमेज उसको बहुत ज़्यादा, जब सन के सामने हम जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। धूप हमारी स्किन को उतना ही ज़्यादा जला देती है। तो आप ये ट्राई करें, आपके एक तो हाथ पांव बिल्कुल जलेंगे भी नहीं, रफ़ नहीं होंगे, और जब धूप आप देखेंगे ना डे लाइट में, आपके हाथ इतने ग्लो और इतने शाइन करेंगे ना। आपने 2 मिनट फिर इसी तरीके से ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से अपने हाथों पर इस ब्रश को मारना है, और आप देखेंगे कि तमाम आपका मैल बिल्कुल निकल जाएगा स्किन से। मैं देखें आपको रिमूव करके दिखाती हूँ, वॉश करके दिखाती हूँ, इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन कैमरे से बाहर जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे, आपकी मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही थी, इतनी शाइन, और बिल्कुल हाथ जो ख़राब हो गए थे, डल हो गए थे एक पानी में, देखें हार डालने की वजह से हाथ जो हमारे ड्राई हो जाते हैं, तमाम ड्राइनेस इससे दूर हो जाएगी। तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप देखें जो हाफ स्लीव्स पहनती हैं, जिनके बाजू है, जिनकी ये नेक बिल्कुल डार्क हो जाती है, तो आप वो अपने पूरी बाजुओं पे इसको अप्लाई करें, अपने पूरे फुट पर, अपने पैरों पर, जहाँ से भी आप अपने आपके पैर बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं, या टखने आपके या घुटने आपके ब्लैक हो गए हैं, तो आप हर जगह पर इसको अप्लाई करें। इसी तरीके से इस जो हमने ये पैक बनाया था, उसको 15 मिनट छोड़ें, उसके बाद इसको रब करते हुए वॉश करें, तो आप देखेंगे कि आपकी तमाम जो डार्कनेस होगी, डलनेस होगी, वो फर्स्ट यूज़ में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और शाइन हो गए हैं। आपने मैनी पैडी कर लेना है, फिर अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है, अच्छा सा जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो मॉइस्चराइज़र लगाएं, और कोई अच्छी सी नेल पेंट लगाएं। आपको बिल्कुल पार्लर में, जो आपको पार्लर में मैनीक्योर और पेडीक्योर का रिज़ल्ट मिलता है, वो आपको घर में मिलेगा सिर्फ 20 से 25 मिनट में, और 20 से 25 रुपए में। बहुत ज़बरदस्त ये मैनीक्योर और पेडीक्योर है, स्पेशल अगर आप ब्राइड हैं तो भी आप इसको यूज़ करें, हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें, आपको पार्लर पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। या आप एज अ गेस्ट हैं, या आप
हाँ आपकी वैसे भी टैनिंग हो गई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।